पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारत के लिए ओलंपिक में कुश्ती में प्रथम पदक प्राप्त करने वाली महिला कौन है? साक्षी मलिक। 2016 में कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक, मोखरा गांव रोहतक से। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस खेल के किस जिले के निवासी हैं? भिवानी के निवासी हैं भाई। 2009 में कांस्य पदक जीता था विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में। किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? हैंडबॉल को किया गया था भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार की शुरुआत की है? सूरदास सम्मान, इसमें 1.5 लाख रुपये दिए जाए भाई। हाल ही पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाए भाई, इसमें 2.5 लाख रुपये दिए जाए हाल ही पुरस्कार में। किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान राशि सम्मान है? कॉमनवेल्थ, एशियन एवं एफ्रो एशियाई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, हरियाणवी, हाशिया और व्यंग्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? आदित्य अल्लड़ हाशिया सम्मान। हिंदी, हरियाणवी, हाशिया और व्यंग्य के लिए श्रेष्ठ योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? आदित्य अल्लड़ हाशिया सम्मान। वर्ष 2012 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा। वर्ष 2012 में राज्य का श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? श्रीमती कमला कपूर। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार का संबंध किससे है? कृषि से संबंधित है भाई। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपये और जिले स्तर पर भाई 25,000 रुपये। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है भाई? गुड़गांव की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही थी जनसंख्या में और सबसे कम झज्जर की रही थी भाई। हरियाणा में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? 8.90% झज्जर जिले की रही भाई। वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना है? पाँचवीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर है 75.6%। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुरुग्राम की वह साक्षरता दर सबसे अधिक है। अच्छा भाई, अगर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद, 2442 वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद में। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत व पलवल। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 834। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? महेंद्रगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? महेंद्रगढ़ का। किस राज्य का लिंग अनुपात हरियाणा से कम है? दिल्ली का। राज्य के 4 सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिलों का क्रम है गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक व पानीपत। राज्य में गुरुग्राम जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है, यह कितना है? 854। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2.09%। 0 से 6 वायु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है? अम्बाला। इंपॉर्टेंट है भाई। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है? मेवात में भाई। इसका लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा मेवात का। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग शामिल है? 44.88%। राज्य की कुल शहरी जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 45% महिलाएं हैं भाई। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी थी? 44.59%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है? रेवाड़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर है 65.94%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुरुग्राम में भाई सबसे ज़्यादा। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1971 में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34%। देश के सभी राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। हरियाणा के मेवात जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यह
यह अनुपात है 907। सेकंड है फतेहाबाद का। राज्य के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है भाई 18 लाख। हरियाणा के किस जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद। महाभारत व कृष्ण लीला नामक शांग के रचनाकार है? मिस्र गोवर्धन सारस्वत। महाभारत एवं कृष्ण लीला नामक शांग के रचनाकार है? मिस्र गोवर्धन सारस्वत। गाँव की ओर किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुकांत की। गाँव की ओर किसकी प्रसिद्ध रचना है भाई? मधुकांत की। शकुन विचार किसकी रचना है? आनंद धन बोत्तर। शकुन विचार किसकी रचना है? आनंद धन बोत्तर। चुरंगी नाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वायु त्रिभुवन उपदेश। वृद्धावस्था समान भत्ता योजना हरियाणा के किस आयु के गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है? 60 वर्ष से अधिक उम्र। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना किस आयु के व्यक्तियों को पर लागू होती है? 18 वर्ष या उससे अधिक। विकलांग पेंशन योजना के तहत 100% विकलांगों को कितनी राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है? एक तो भाई 2750 रुपये दिए जाएँ भाई। कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू और कश्मीर में प्रवास कर रहे हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हरियाणा के सरकार द्वारा प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 1200 रुपये। किसे हरियाणा का दिल कहा जाता है? जिन जिले की सीमा भाई 7 जिलों तो अलग है सबसे ज़्यादा लगती है। नेत्रहीन वायशक हेतु परीक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वायशकों को परीक्षण दिया जाता है? 18 से 45 वर्ष। हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी 1 अप्रैल 2006। इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत 27 विकलांगता के शिकार हो जाने पर कितनी बीमा राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी? 1 लाख रुपये। राज्य के सरकारी स्कूलों में खुशनुमा और बाल केंद्रित वातावरण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षा के लिए कक्षा तत्परता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2013। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के BPL परिवार के संरचनात्मक को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है? 10,000 रुपये। किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार योजना के अंतर्गत किस आयु के किशोरी लड़कियों को जन वितरण प्रणाली द्वारा लगातार 3 महीने तक 6 किलोग्राम गेहूं मुक्त प्रदान किया जाता है? 11 से 19 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2005-06 में। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगार भत्ता योजना कब शुरू की गई? 1 नवंबर 2005। बेरोजगार भत्ता योजना कब शुरू की गई? 1 नवंबर 2005। राज्य में हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विज्ञान विषयों में नंबरों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? 1000। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2006। अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नकद देती है? 500 रुपये नकद दे भाई। 8वीं पास 18 से 28 वर्ष के इच्छुक युवकों को रोजगार योग्य बनाने के लिए हुनर से रोजगार तक योजना हरियाणा में किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? हरियाणा पर्यटन निगम। राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने व इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई 2007 में कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। वो फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को कर्मश कितनी राशि दी जाती है? 3500-3000 तथा 2500 रुपये। माटी का मूल उपन्यास किसने लिखा है? जयनारायण कौशिक। जयनारायण कौशिक कहाँ था भाई? अम्बाला से था। कौन सी सदी को हरियाणा का संत संप्रदाय का श्रवण काल माना जाता है? 18वीं सदी को। कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने व लड़के लड़कियों के भेदभाव समाप्त करने तक घटते लिंग अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? देवी रूपक योजना। हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगन योजना कब आरंभ की गई? 14 मई 2005। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? 1 जनवरी 2006। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपये दिए जाते हैं? 5000 रुपये। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? जनवरी 1971। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50 लाख। हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाबू जगजीवन राम योजना। राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्ध योजना किस वर्ष आरम्भ की गई? वर्ष 2002 में शुरू की गई थी भाई स्वयं सिद्धा योजना।
नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई थी? 220.60 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। पुष्प दंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है? 4 है भाई। नव युवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? बनारसी दास। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की न्यू जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? हंसराज रैबर। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की न्यू जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? हंसराज रैबर। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है? सोनीपत में है भाई। राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? फरीदाबाद में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की, और बाटा जूतों की भी है भाई फरीदाबाद में, बाटा चप्पल की। कांग्रेस के 1886 ईस्वी के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला मुरलीधर ने किया था भाई। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह। इसमें तीन बंदे थे भाई। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? एमू, जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, रेवाड़ी का था भाई। राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी में। महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही फरीदाबाद में भाई। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरबान 1672 में करे थे भाई ने वीरबान। ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? अलाउद्दीन खलजी। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? नसीबपुर। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने भाई। नार सिंह किस रियासत के शासक थे? बल्लभगढ़ के, और फरीदाबाद के थे भाई दानू सिंह, और बल्लभगढ़ थे नार सिंह। कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे? रोहतक के। रोहतक की स्थापना 1966 में ही हो गई थी भाई, शुरू था शुरू 7 जिलों में था शुरू के। चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? सोनीपत से संबंध रखते थे भाई। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? बनारसी दास गुप्ता। इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। किसने वर्ष 1929 में 10 दिनों तक गांधी जी के निवास स्थान पर स्वयं सहायक समूह के रूप में काम किया? पंडित अमीम लाल। केसरी हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? लाला मुरलीधर। लोक लाज से चलता है नारा हरियाणा के किस राजनीति ने दिया था? चौधरी देवीलाल ने भाई। पंडित नेगीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई नेगीराम शर्मा ने। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी रेवाड़ी में हुआ था भाई, वो देखा था। युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? संत निश्चल दास की। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल। किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? लाला मुरलीधर। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में हुआ था भाई। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। जो कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है भाई, 2007 में बना था। सिंधो स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में भाई, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? हरश्चरितम। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? बूचराज की है भाई, संतोष जयतिलक। चित्रबोधनी नामक रचना किसने लिखी है? पंडित हरिपुष्प। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी है? पंडित विद्याधर शास्त्री। विष्णु सहस्त्रनामा किसकी करती है? सत्यदेव वशिष्ठ की है भाई विष्णु सहस्त्रनामा। अमानत एक शहीद की उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम क्या है? कृष्ण बादशाल। हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? सुरंगी नाथ। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में भाई, जो कपड़ा मिल धागा मिल थी उसकी स्थापना हुई थी 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी फरीदाबाद में भाई। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय में। हरियाणा राज्य गठन संविधान की किस संशोधन द्वारा हुआ? 18वें संविधान संशोधन द्वारा 17वां राज्य बना था हरियाणा 1966। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिथाथल व जगाधरी के सिक्के। हरियाणा भारत में कौन से राज्य
के रूप में अस्तित्व में आया, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था भाई 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। एस्को ट्रैक्टर व कल्टीवेटर का निर्माण होता है फरीदाबाद में 1967 है। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में भाई। पहली विनिर्माण इकाई की स्थापना 1970 में हुई थी गुरुग्राम में। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में होता भाई पंडित श्री राम शर्मा का जन्म। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा का नवरत्न नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा के खुशी राम शर्मा द्वारा लिखित कृतियाँ हैं प्रेम उपहार, रण निमंत्रण, युद्ध युद्ध चरित्र। ये भाई ये तीनों इसने लिख रखी खुशी राम शर्मा ने। प्रेम उपहार, रण निमंत्रण, युद्ध चरित्र। कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। यू भाई बादशाहपुर गुड़गांव से संबंधित है, शायरी से संबंधित है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बादशाहपुर गुड़गांव। सत्याग्रही प्रहलाद का वे कृति किस कवि की है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की है भाई, बेवाणी का था यू। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य है भक्त भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई। हरियाणा केसरी नामक हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति है पंडित नेकी राम शर्मा। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कैलंगा गांव रोहतक में हुआ था भाई पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म। ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर रबर टायर का कारखाना हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? फरीदाबाद में है भाई। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में भाई। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़ में। हरियाणा में पानीपत में हो भाई। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? 1966 में। किन दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है? हरियाणा व पंजाब की। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 में। प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है भाई। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है भाई बाटा जूते का कारखाना। सेंट्रल सोयल सेनेस्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मिट्टी वाले की भाई 1969 में करी गई थी करनाल में। हर रविवार रहागिरी दिवस हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? गुड़गांव में भाई। निम्न में से कौन सा बोर्ड खादी व ग्राम उद्योग विकास से जुड़ा हुआ है? हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना भाई 1969 में हुई थी। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। थानेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य देवता निम्न में से कौन है? शिव है भाई, शिव है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? फरीदाबाद में 1988 में। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स NIAG किस जिले में स्थित है? करनाल में स्थित है भाई, 1984 में बना था। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स NBAGR किस जिले में स्थित है? करनाल में 1985 में। जो ब्यूरो एज है तो 1985 में हो जाएगा भाई, और जो यो खाली हो जाए NIAG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स इसकी 1984 में। जो ब्यूरो एज है इसके आगे तो 1985 हो जाएगा। डायरेक्ट ऑफ व्हील रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? गेहूँ वाला करनाल में स्थित है, 1978 में स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में भाई, 1955 में। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था जिसमें मराठों की पराजय हुई थी? 1761 में हुआ था भाई। किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? नई दिल्ली व चंडीगढ़। इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में भाई। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में, हेमू और अकबर के बीच। हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की विजय हुई थी भाई, मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था? कुरुक्षेत्र में भाई, बरगद वृक्ष के नीचे ये उपदेश दिया गया था, 45 मिनट का उपदेश था। हरियाणा में कहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में भाई, 9वीं शताब्दी में। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद व लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है भाई। रेड मस्जिद ज़्यादातर रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य पर चौहान शासक औरंगराज ने कब आक्रमण किया था? औरंगराज ने कद आक्रमण किया था भाई 1131 ईस्वी में। हंसवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेसर में बनाई थी भाई हंसवर्धन ने अपनी राजधानी। दूसरी राजधानी इसकी थी कन्नौज। कौरव और पांडव की युद्ध भूमि हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और बनवाली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में भाई बनवाली। इसकी स्थापना RS विष्ट ने करी थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मिथा थल हरियाणा में भिवानी जिले में स्थित है। मिथा थल
कहाँ स्थित है? भिवानी में। राज्य में बिरला मंदिर स्थित है कुरुक्षेत्र में। 1952 में इसकी मरम्मत चढ़ाई चालू हुई थी, 1955 लग बनाया था भाई। कौन से मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है? नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। दुख पंजेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। आदि बद्री नारायण मंदिर राज्य में कहाँ पर है? जगाधरी में भाई। भगवान परशुराम सरोधरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगाधरी में भाई, वो भी परशुराम का सरोधरम मंदिर। चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। राज्य में ठाकुर द्वार कहाँ पर स्थित है? कुतानी गांव रेवाड़ी में है भाई, कुतानी गांव रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, सनातन धर्म से संबंधित है भाई, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। राज्य हरियाणा में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? नारनौल में है भाई, नूरकरण ने बनवाया था। कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बागोद गांव में है? शिव मंदिर। दाऊ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वंचारी गांव पलवल में। राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? पानीपत में भाई, देवी तालाब का शिव मंदिर रघुनाथ ने बनवाया था। राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख चिल्ली। थानेश्वर नगर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा किया गया था? पुष्यभूति। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था भाई, रेवाड़ी में लाल मस्जिद। जागीरदार शाह कुली खान ने जलमहल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल में भाई, 1591 में। भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव हरियाणा के जिले में स्थित है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में भाई। किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नोक जाकी मजार भाई, शाहबाद में है भाई, शाहबाद मारकंडा। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809-10 में। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? जोन खां को। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलवंत सागवान का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1756-57 में। राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार रियासत हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? 1530 में बाबर के लिए उसका युद्ध हुआ था भाई, कैथल में आया। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के प्रगने का शासक कौन था? जलाल खान। तावड़ू कहाँ से भाई? तावड़ू में वात में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां और किसके बीच हुआ था? हेमू हेमचंद्र के बीच। मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमू हेमचंद्र था। 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध हुआ था। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में, टोहाना हिसार व फतेहाबाद। 1398 में तैमूर ने। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई, 1351 में। हरियाणा राज्य में वह धार्मिक स्थान जहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्म अनुष्ठान करने आते हैं, कुरुक्षेत्र में स्थित है धार्मिक स्थानों पर। देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, पानीपत में स्थित है। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण चिरणद्वार किसने करवाया था? राजा नूरकरण ने। सोहाना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य। नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? छड़ी नृत्य। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है? खोड़िया नृत्य। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? होज नृत्य। कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? लूर नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है भाई। मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? नकाड़े, मंडप और मंजीरा। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में। हरियाणा में धमाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? महेंद्रगढ़ और झज्जर में किया जाता है। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? धमाल नृत्य फागुन में किया जाए भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के किस जिले में नौ ग्रह कुंड उनके स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? कैथल। देश में 44 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? यमुनानगर। हरियाणा के नारनौल में स्थित है जल महल, राय मुकंदास का छत्ता व चोर गुमद है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी। राव राज्य में बाघ वाला तालाब कहाँ पर है? रेवाड़ी। रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? कैथल। तैयब का मकबरा कैथल में भाई। सोहाना का किला कहाँ स्थित है? गुड़गांव। बाराखंबा छतरी व किशोरी महल कहाँ पर है? गुड़ल। हरियाणा के किस शहर में सलारगंज
गेट स्थित है पानीपत में भाई, 2002 में बना था। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर है? पानीपत। कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? सराय अलवर्दी की मस्जिद। रबड़ा गोहाना सोनीपत में किस मेले का आयोजन होता है? डेरा नगन बालक नाथ। हरियाणा के किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है? भादड़। कैथल के फरल गाँव में किस मेले का आयोजन होता है? ओसज सोमति अमावस्या फागुन का मेला। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंड दान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? पेवा मेले में। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर में मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता है चौधरी बंसी लाल। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता थे राव वीरेंद्र सिंह। पहली क्षेत्रीय पार्टी थी भैया 1967 में बनी थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? 90। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? रोहतक व चरखी दादरी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 21वां। सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद। पहला सूरजकुंड का मेला 1987 में लग गया था भाई। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर राजा सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? फरवरी। राज्य किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ियों का। हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में है? दक्षिण पश्चिम भाग में। महेंद्रगढ़ भिवानी सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? रेतीले क्षेत्र का। हरियाणा में बीबीपुर व नजबगढ़ जिले किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। कौन सी नदी हरियाणा में केसीवाली के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है? मारकंडा घग्गर व सरस्वती नदी। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? चौधरी छोटू राम। 1908 में बनी थी भाई। हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? 154। शहरों की संख्या। हरियाणा में खंडों या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 141। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा जिला है भाई। हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। देश की आज़ादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? पंजाब में। फरवरी 1958 में अलग हो गया था। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म के बासमती चावल पैदा होते हैं? करनाल व कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य पर कब प्रारंभ किया गया? 1970 में। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हरियाणा में वी प्रत्यय के योग से हुई है। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शेरसनी अपभ्रंश से। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी की। हरियाणा की कितनी बोलियां हैं? हरियाणा की 6 बोलियां हैं। हरियाणा की बोलियों के नाम लिखिए। बांगरू कोरवी अहिरी मेवाती बागड़ी ब्रज। डॉक्टर गिरिया सिंह ने हरियाणा को क्या नाम दिया था? बांगरू। हरियाणा के पश्चिमी हिंदी के प्रमुख उपभाषा मानी जाती है। हरियाणा के संबंध में यह विचार किसका है? डॉक्टर नानक चंद शर्मा। डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार खड़ी बोली को जनपद के नाम से पर क्या कहा जाता है? कोरवी। विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास मूलत माना जाता है बोली अथवा जनभाषा से। विद्वानों ने हरियाणा को अन्य क्या क्या नाम दिए थे? हरियाणी हरियाणी हरियाणवी हरियाणी आदि नाम दिए थे। बांगरू को हरियाणा का प्राय किससे माना जाता है? डॉक्टर गिरिय सिंह, डॉक्टर सत्य गुप्ता, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। बांगरू हरियाणा क्या? बांगरू हरियाणा का एक क्षेत्र विशेष है। देसी बोली किसे कहा जाता है? बांगरू को। अहिरी अथवा अहिरवाटी मूलत किन की भाषा है? अहिरों की। अहिरवाटी को ग्रामीण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? अहिरी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शोध प्रबंध में कितने शब्दों को अहिरी कहा है? 200 शब्दों को। बागड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र में। डॉक्टर मुथुरा प्रसाद अग्रवाल ने कितने शब्दों की सूची बागड़ी बोली के नाम से प्रस्तुत किया? 81 शब्दों की सूची। मेवाती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मेवात। किस विद्वान ने मेवाती शब्दावली में लगभग 300 शब्दों को मेवाती नाम से अभिहित किया है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। कोरवी नाम किस जनपद के आधार पर दिया गया है? कुरु जनपद के। कोरवी से क्या तात्पर्य है? वह जनभाषा जो कुरु प्रदेश में बोली जाती है। मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रमुख योगदान है? कोरवी का। डॉक्टर कैलाश चंद्र सिंगल ने कोरवी पर कितने शब्दों की सूची बनाई है? 650 शब्दों की।
कोरवी का क्या नाम दिया गया है? अंबालावली। कोरवी को अंबालावली क्यों नाम दिया गया है? अंबाला कमीशन के अधिकांश में भाग में बोली जाने के कारण कोरवी को अंबालावली नाम दिया गया है। ब्रज के सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम क्या है? सूरदास। इसका जन्म सीही गांव फरीदाबाद में था। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? भक्ति काल व कृष्ण भक्ति शाखा के। ब्रज भाषा के शब्दावली का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत तथा शेरसनी अपभ्रंश। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखे संत गरीबदास चुड़ानी गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन है? श्री माधव प्रसाद मिश्र। लड़की की बहादुरी कहानी के कथानक किस पर आधारित है? समाज पर। डाकी डाव खाना कहानी के लेखक कौन है? डाकी डाव खाना के लेखक है डॉक्टर नानक चंद शर्मा। झाड़ू फिरी तथा फप्पा कुटाणी उपन्यासों के लेखक कौन है? श्री राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी उपन्यास के कथानक कैसा है? सामाजिक। ताऊ झगड़ू के लेखक कौन है? चौधरी प्रताप सिंह। कालिदास के मेघदूत का हरियाणवी में पदानुवाद किसने किया था? रामेश्वर दयाल शास्त्री। रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविद्यालय कृति गीतांजलि का पदानुवाद किस नाम से हुआ? हरियाणवी गीतांजलि। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? प्रो हरी सिंह। डब डब राय नैन उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह मथाणा। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। चौपाल के मकोल चौपाल के चाले चौपाल तैताऊ रचनाओं के रचयिता कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा। संत सिपाही महाकाव्य कितने सर्ग है? 10। संत सिपाही महाकाव्य के अंगिरस कौन सा वीर? हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? डॉक्टर रतन चंद शर्मा। हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? डॉक्टर रतन चंद शर्मा। डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा के सुप्रसिद्ध महाकाव्य के नाम लिखिए अग्नि परीक्षा निषाद राज राम राज्य वनागमन अश्वत्थामा। अग्नि परीक्षा निषाद राज राम काव्य और वनागमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? राम काव्य परंपरा पर। अश्वत्थामा महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत के सौप्तिक पर्व पर। चंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। चिड़िया मुझे बना दो राम कृति की विद्या कौन सी है? बाल नाटक। चिड़िया मुझे बना दो राम कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर कंवल नयन कपूर। नई पीढ़ी नए सवर के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हरिचंद वर्मा। तालाबों गुलाबों का शहर कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सुधा जैन। पीढ़ी की पंगडिंडिया रचना के रचनाकार का नाम लिखिए डॉक्टर लीलाधर वियोगी। टूटा हुआ आदमी कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। स्वतंत्र उत्तर हरियाणा के महत्वपूर्ण काव्यकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? संत लाल दास। संत गरीबदास की वाणी किस में संकलित है? ग्रंथ साई में। संत गरीबदास किसके उपासक थे? निर्गुण राम के। संत जैत राम किसके पुत्र थे? संत गरीबदास के। संत नित्यानंद का मूल नाम क्या था? नंदलाल। संत नित्यानंद की वाणी का संकलन किस नाम से है? सत्य सिद्धांत प्रकाश। संत घीसाराम को किसका अवतार माना जाता है? संत कबीर दास जी का। संत निश्चल दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संवत 1791 को कुंगड़ गांव हिसार में हुआ था। संत निश्चल दास के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? विचार सागर वृत्ति प्रभाकर मुक्ति प्रकाश। संत घीसाराम के घीसादास की वाणी का संकलन है सचित्र ग्रंथ साहिब में। हरियाणवी रामायण किसने और कब लिखी? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने 1988 में लिखी। विष्णुदास किसके भगत कवि थे? कृष्ण भगत कवि हैं। कवि विष्णुदास कहाँ के निवासी थे? वर्तमान जिला झज्जर के। पंडित मांगेराम किस रूप में प्रसिद्ध है? सांगी के रूप में। कृष्ण जन्म कृष्ण सुदामा रुक्मणी ब्याह आदि सांगों के रचनाकार कौन है? पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम की भक्ति भावना का मेरुदंड क्या है? भगवत अनुग्रह। अकबर के नवरत्नों में हरियाणा के कौन थे? बीरबल। बीरबल किसके धनी थे? वंग्य विनोदी के। बीरबल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संवत 1585 ईस्वी में बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में हुआ था। बीरबल द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का नाम लिखे सुदामा चरित। देशा देश हरियाणा किसकी काव्य रचना है? उदय भानुवंश। हरियाणा के प्रथम कहानीकार कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। हरियाणा लोक मंच की स्थापना किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने 1963 में। हरियाणा वंदन कविता के कवि का नाम लिखिए जय नारायण कौशिक। की चकवद कविता के रचनाकार कौन है? भारत भूषण सांगीवाल।
सरदार भगत सिंह सांग के रचनाकार का नाम बताइए। भारत भूषण सांगीवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार उधम सिंह सांग के रचनाकार कौन है? भारत भूषण सांगीवाल। सांगीवाल की काव्य रचना सूरज चांद को कौन सा पुरस्कार मिला? हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोक पुरानी मोड़ नवाकृति के रचनाकार कौन है? कंवल हरियाणवी। राजकुमार अत्रेय की रचनाओं का मुख्य स्वर कौन सा है? आशावादी स्वर। लक्ष्मण सिंह पेशे से क्या थे? होम्योपैथी चिकित्सक। किसान की बेटी रचना के रचनाकार कौन है? जगबीर राठी। आशा की किरण किस विद्या से संबंधित रचना है? कहानी। आशा की किरण कहानी के कहानीकार कौन है? कंवल हरियाणवी। आशा की किरण कैसी कहानी है? सामाजिक। सांझा सिर नाटक के लेखक का नाम बताइए। राम फलचैल। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक राय बहादुर मुरलीधर का संबंध किस जिले से है? पलवल में इनका जन्म हुआ था। भैरव अम्बाला थे। शास्त्रीय संगीत के उत्तम शिखर पर विराजमान पंडित जसराज किस जिले से संबंधित है? हिसार। भारतीय राजनीति में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था? सिरसा। स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? 1899 में इनका जन्म हुआ था। झज्जर मुआदा। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता विजेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? भिवानी से। कांस्य पदक जीता था भाई 2008 में। हरियाणा में जन्मी ममता खरब कौन से खेल से संबंधित है? गोल्डन गर्ल भी कहा जाए। हॉकी से संबंधित है। रोहतक किया भाई। सालू जिंदल का संबंध किससे है? सुप्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य। स्वदेश सिंह कौन से नाटक के लिए सर्वाधिक विख्यात है? कोर्ट मार्शल। रेवाड़ी की लता मंगेशकर के रूप में कौन जाना जाता है? मोनिका सोनी। रेवाड़ी किया भैया। पद्मश्री सम्मानित सुभाषिनी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? पानीपत। प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद। अभिनेता हिमांशु सैनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत। बाजे भगत का जन्म कौन से जिले में हुआ? सोनीपत। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दरिया सिंह मलिक का संबंध किस जिले से है? पानीपत। गायिका मधु शर्मा का जन्म कौन से जिले में हुआ? कैथल। एकल सत्याग्रह में भाग लेने वाली सुचेता कृपलानी का संबंध किस जिले से है? अम्बाला। हरियाणा के सांगी दीपचंद के गुरु कौन थे? छज्जूराम थे भाई, प्रसिद्ध छज्जूराम। दीपचंद का गुरु कौन था? छज्जूराम। फिल्म अभिनेता ओम पुरी का जन्म किस जिले में हुआ? अम्बाला। अभिनेता नसीब सिंह कुंडू का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था? रोहतक में। हिंदी फिल्मों में आयशा अभिनेता यशपाल शर्मा हरियाणा के किस जिले में जन्म हुआ? हिसार। NDTV में वॉक द टॉक कार्यक्रम में अपनी एंकरिंग कला का लोहा मनवाने वाली संपादक है शेखर गुप्ता। हिसार में जन्मी मल्लिका शहरावत का संबंध किस क्षेत्र से है? हिंदी सिने जगत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसीलाल का जन्म हरियाणा के जिले में हुआ था? भिवानी। सब तक युवा मुख्यमंत्री था हरियाणा का बंसीलाल। दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली हरियाणवी महिला कौन थी? उषा शर्मा। पेवागी थी भाई। डिविजनल दरबारी सूची में नामांकित छाजूराम सेठ हरियाणा के किस जिले से हैं? भिवानी से हैं भाई। सिनेमा निर्देशक अश्वनी चौधरी का जन्म किस जिले में हुआ? सिरसा। स्वामी रामदेव का जन्म स्थान कौन सा है? जिला महेंद्रगढ़ का शहद अलीपुर गाँव। लोक साहित्य के आधुनिक पुरों द कंवल हरियाणवी की जन्म स्थली किस जिले में है? कैथल। श्रेष्ठ गायिका पुरस्कार प्राप्त ऋचा शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? फरीदाबाद। स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदेव शाह लाल का जन्म हरियाणा के जिले में हुआ था? हिसार। हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक मुंशी राम जोगी का जन्म कौन से जिले में हुआ? भिवानी। राय बहादुर और हिंद केसरी जैसी उपाधियों से विभूषित लाला मुरलीधर का जन्म कौन से जिले में हुआ? पलवल। हरियाणा फिल्म चंद्रावल में सहनायक की भूमिका निभाने वाले अनूप लाठर का जन्म किस जिले में हुआ? करनाल। हरियाणा में बम लहरी के नाम से प्रसिद्ध महावीर गुड्डू का जन्म हरियाणा के जिले में हुआ? जींद। किसानों के मसीह या दीनबंधु सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के जिले में हुआ? 1881। रोहतक। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? झज्जर। 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया? मेवो को। राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमा चुकी कुमारी शैलजा का संबंध किस जिले से है? सिरसा। हरियाणा की में महिलाओं में सबसे अधिक बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त महिला का नाम बताइए। प्रसन्नो देवी। पहली महिला विधायक थी स्नेलता।
सावित्री जिंदल की क्षेत्र से संबंधित राजनीति, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधु किरण चौधरी के क्षेत्र से संबंधित राजनीति, श्रुति चौधरी के क्षेत्र से संबंधित राजनीति, शकुंतला खट्टक कितनी बार व कहाँ से विधायक रही हैं, दो बार कलानौर से, हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल हरियाणा की द्वितीय महिला न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति निर्मल यादव, बाहर से सीधे नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति दया चौधरी, मेवात की थी भैया। सोनीपत की मेघना मलिक की पहचान किस क्षेत्र से या हिंदी सेना जगत से, सोनीपत निवासी मीमांसा मलिक किस क्षेत्र से संबंधित है, समाचारवाचक जी टीवी चैनल की लोकप्रिय समाचारवाचक, सालू जिंदल किस क्षेत्र से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्यांगना, अम्बाला की सुनीता जैन को साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्मश्री, प्रथम हरियाणवी महिला का नाम बताइए जो साहित्य अकादमी की निदेशक बनी, डॉक्टर मुक्ता, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कमला चमोला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, हिसार, साहित्य अकादमी की पुस्तक कहानी यात्री व शांत का संपादन करने वाले हरियाणा के साहित्यकार का नाम क्या है, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, पहली महिला पायलट जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया, शेफाली, जज्जर निवासी अंजू अहलावत ने सेना में कौन सा पद ग्रहण किया, लेफ्टिनेंट, हिसार में जन्मी गोरी का सिहाग ने सेना में किस पद पर अपनी सेवाएं दे रही है, वायुसेना की टेक्निकल ब्रांच में फ्लाइंग ऑफिसर, सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हिसार की महिला का नाम क्या है, स्वाति मेहता नायर, रोहतक निवासी शीतलुड्डा ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में लेफ्टिनेंट का पद कब प्राप्त किया, 8 नवंबर 2015, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, हिसार, भारत केसरी हिंद केसरी अर्जुन अवार्ड भीम पुरस्कार प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी का नाम क्या है तथा किस जिले से संबंधित है, गीतिका झाकड़ हिसार जिले के अग्रोवा गांव से, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, 12वीं शताब्दी में, सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, बड़ी सोनीपत, के से हरियाणा खेल नीति 2015 में शामिल किया गया, डिफ ओलंपिक्स बादिरों के लिए ओलंपिक, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है, गन्नौर में भाई, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, थानेसर, 1958 के अंतर्गत, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया, 10 से 16 जनवरी, गुरुग्राम, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालेदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है, ढाकला जज्जर, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश का निवासी था, फ्रांस का, 1952 में स्थापना हुई थी, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डमरू नृत्य, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना, यमुना की लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर, हरियाणा की कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए रखी थी, 2, अंबाला व सिरसा, हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा, हरियाणा का कौन सा नगर है, जींद, बाबा रामदेव के गुरु कौन है, आचार्य बलदेव, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता सौदा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, कैथल, कौन सा मेला अल्लाहपुर फरीदाबाद में लगता है, बाबा उदासनाथ की समाधि मेला, किसे जुड़वा शहर कहा जाता है, यमुनानगर जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जाँच अनिवार्य कर दी गई है, हेपेटाइट सी, ऋतु परिवर्तन या दान का पर्व किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति, खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, विशारत अली, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण किरम शर्मा गिरफ्तार हुए, नमक सत्याग्रह, 1857 की क्रांति के समय जज्जर का नवाब कौन था, नवाब अबू रहमान खान, खीजर खां का मकबरा कहाँ स्थित है, सोनीपत, बड़ा मंदिर भी यहीं है, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, करनाल में, देश का पहला नंदघर कहाँ स्थापित किया गया है, आसनपुर सोनीपत, महावीर जयंती मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ अवस्थित है, कैथल, दुखबंजेश्वर मंदिर अवस्थित है कुरुक्षेत्र में, दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया था, भगवान बलराम, पलवल में, बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है यमुनानगर में, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों व तालाबों का नगर कहा जाता है, नारनौल, 1591 में यहाँ जल महल बना था, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1972, भगत पूर्ण मल का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, कासन, महर्षि चवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, डोसी का मेला, गन्ना उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला अग्रणी है, यमुनानगर, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी,
11 अक्टूबर 2014 हरियाणा में किसानों के लाभार्थी हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2000 हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र में अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? पानीपत में पहला अनाज बैंक खोला गया भाई। रेल कार्यशाला व अन्य उद्योग हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में स्थित है भाई। 1952 में यहाँ इसकी रेल कार्यशाला की स्थापना हुई थी। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय। अग्रोहा का भी मिला भाई, शीर्षा का भी मिला इसमें नकुल दिग्विजय। 1543 में वीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? नारनौल में। किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556। मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी? हंसराज ने भाई। गाँवों में राजस्व की वसूली किसके मद से की जाती है? पटवारी। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाड़ा छावनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1923 में। जमींदार लिंग 1924 में। अम्बाला मंडल की डिवीजन पॉलिटेक्निक कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे बेवानी में कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। इसराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? शाहबाद। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित फरीदाबाद में कौन सा एयरबस है? राजा नार सिंह। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में किसके शासक ही हार के बाद अग्रोवा पर मुस्लिम सत्ता का स्थापना हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1971 में। 1991 में भाई वो बन गया था। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संवादी समीक्षा समिति का गठन किया गया था? जस्टिस इकबाल सिंह। हरियाणा राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत है? अर्जुनायन गणराज्य। और अम्बाड़ा में कौन सा भाई? कुणिंद गणराज्य। महिर बोध के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? 1882 पेवा। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? अम्बाड़ा जिले में स्थित अम्बाड़ा। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? हरश्चरितम। हरियाणा के बड़े भूभाग को श्रीखंड जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नाग। आंसी में असीगढ़ का किला कब बनवाया गया? 12वीं शताब्दी में। तलवारा का किला भी नहीं कहा जा भाई। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर स्थित है? हिसार। हरियाणा में कौन से शहर को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 20%। अम्बाड़ा। श्री पंडित रामकृष्ण व्यास के क्षेत्र से संबंध रखते हैं हरियाणवी संवांग। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाई। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा की प्रधानता का है? दोमटी मृदा। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया 7 सितंबर 2015 को। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद की उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? अम्बाड़ा छावनी में। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था? पाणिनी। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? औद्योगिक श्रमिक। हरियाणा का विख्यात खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? जूडो। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? 21 अप्रैल 1994। मुख्यमंत्री मुक्तिलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? जनवरी 2014। मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई? 15 अगस्त 2004। देवी रूपक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? 25 सितंबर 2002। देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? 2 अक्टूबर 2003। प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 जून 2013। कानफेड़ की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब की गई? 7 जून 1973। राजकीय राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? लोक निर्माण विभाग के द्वारा। सुनीता शर्मा। ये रहा भाई सुनीता शर्मा
संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जिम्नास्टिक्स। किस कवि का संबंध हरियाणा से नहीं है? नरोत्तम दास। भारत किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? भारत किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? उत्तर पश्चिम में। भारत केसरी हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था? मास्टर चंदगी राम सिसाई सार से संबंधित। भिवानी के कौन से मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की जा रही है? एस राधा कृष्ण स्कूल। हंसवर्धन की तांबे की मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? सोनीपत। भीमा देवी मंदिर के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? पिंजौर के पास। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? कुंडली सोनीपत। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? पंडित विद्याधर शास्त्री। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? जयनारायण कौशिक। राज्य के सोनीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हिसार व करनाल में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है सोरा। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? अब्दुल्लापुर मंडी। ओजरी पर उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है? रोहतक। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1973। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? बहादुरगढ़ झज्जर। कहाँ का पेट्रो परिसर की स्थापना की जा रही है? पानीपत में 1980। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1972 में। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? पश्चिमी व पूर्वी नहर। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। बल्लभगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? गुडियर कारखाना। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई? 1943 में। भिवानी में कपड़ा मिल 1937 में। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 1943 में। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1967। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? पानीपत। जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1984-85 में। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? गुड़गांव नहर। फरीदाबाद में 20-23 सिंचाई हुआ। हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कब लागू की गई? 1 जुलाई 1996 और हटाई गई 1 अप्रैल 1998। हरियाणा राज्य में मग निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? सन 1914। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगन योजना कब आरंभ की गई? 14 मई 2005। राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? 1 जनवरी 2006। राज्य हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 1981। कागज उद्योग 1969। यमुना गैसेज लिमिटेड 1973। सुरही उद्योग झज्जर का प्रसिद्ध है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933। भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938। 1981 में करेगा दबायु। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि वार्षिक और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। से बंसीलाल की सरकार द्वारा पूर्ण चालू किया गया था 1997। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? सीमेंट का। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही में किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्मस्थली माना जाता है? सूरदास। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूँ की। 12% उत्पादन करें। राज्य का कौन सा जिला खुम्बे के उत्पादन में देश में अग्रणी है? सोनीपत। हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। हरियाणा में पिछले विधानसभा 2014 हेतु चुनाव हुए। 13वीं विधानसभा के 2019 में 14वीं विधानसभा के नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? फिरोज तुगलक। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काबुल में। 23 जून 1825 को आदि बद्री नामक पुराने गाँव किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? अलाउद्दीन खलजी। चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य जीव अभियान वह कितने किलोमीटर में फैला है? 25.42 वर्ग किलोमीटर। 1998 में बनाया था भाई, हाथ से निर्मित है, हस्त निर्मित है। प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस स्थान किस नगर को मिला था? स्थानेश्वर।
यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? रोहतास भरमू। अम्बाला नगर की स्थापना किसने की थी? अम्बा राजपूत। संडोरा नामक प्रसिद्ध कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर। रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? राय बीरू। रानिया कस्बा का पुराना नाम क्या था? रजबपुर। नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? राजा लक्ष्मी नारायण। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है? कुरू और पांचाल। निम्न में से किसने टोदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबू दयाल शर्मा। निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? हेमचंद्र। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में। कल्पना चावला किस यान से संबंधित थी? कोलंबिया। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे? सर सादी लाल रेवाड़ी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है? लाला मुरलीधर। बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे? गोपाल सिंह। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को मान्यता है? शनि तीर्थ। हिंदी के प्रतिष्ठानिका श्री विशंबरनाथ कोशी का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का सदस्य कौन बने? चौधरी देवीलाल। 1983 में कुवैत में हुए पांचवें ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पूर्ण स्वर्ण किसने जीता था? चांद्रा। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चीड़। ब्रिटिश सरकार द्वारा शमशेर उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन अली। 1904 रोहतक में हरियाणा तिलक नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन किया था? 1923 में श्री राम शर्मा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हंसवर्धन। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा। भारत में हरियाणा में अम्बाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। अच्छा भाई, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी? थानेसर में। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तु के लिए पर्यटन पर डिजाइन किया गया? राजस्थानी। स्काईलार कालाम ब्लूजे समल का पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पानीपत। गुड़गांव फारूकनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत ने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके? गुरुद्वारा लखन माजरा। अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वखान किया गया? ढूंढू तीर्थ। शामा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस जिले में किस नगर में स्थित है? समा नामक पर्यटक स्थल किस हरियाणा किस नगर में स्थित है? गुड़गांव। सह कुली खान द्वारा निर्मित आराम कोशर बाग कहाँ स्थित है? नारनौल में। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री से। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? सोमवती अमावस्या। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? पुंडरिक सरोवर। श्री चौरंगीनाथ द्वारा कौन से मठ की स्थापना की गई थी? अस्थल बोर मठ। डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? चवन ऋषि। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? जाट विद्रोह। सतनामी विद्रोह लिख रहे तो भाई 1672 में होता सतनामी विद्रोह। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना 1919। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय प्रसिद्धों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी क्षेत्र। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है चंडी मंदिर। चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है दर्शदवती। कांग्रेस के नागपुर में वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला उग्रसेन। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक पराय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? दुबे जी के पत्र। अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़। कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी इंद्रप्रस्थ। तो शाम में एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताइए? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो शाम तहसील के अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उस पत्थर का नाम बताइए? ग्रेनाइट। हरियाणा का जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन है? यमुनानगर। पंचकूला हवाई। भारत की प्राचीनतम श्रृंखला पर्वत अरावली पर्वत। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेबल गार्बेज एक्ट कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? 1998। 1857 की क्रांति के समय सांपला सौदा रियासत का नवाब कौन था? इलाही बख्श। रोहतक तथा कालका उपमंडल को हरियाणा के जिले में आता है पंचकूला। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल हैं। 16वें राज्यपाल
पंडारू दोतरे या 18वें राज्यपाल। हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887। रोहतक में भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत का कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? 3.5%। हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत के समीप स्थित काला आम नाम काला आम वृक्ष स्थान पर युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का भी लेख स्मारक महत्व दर्शाता है? 80। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए उसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख। अच्छा भाई होंगे। और राज्य के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? शेख चिल्ली। पंडित जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु, जिसे कहा जाता है मावट। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती है? दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना। प्रदेश के फारूकनगर खंड में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील। हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ जिले में 1976 में पानी छोड़ा गया था। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इकता कौन सा था? पलवल। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी? अगरोहा। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ साहिबी व इंदौरी। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन सा पत्थर मिलता है? चूना पत्थर। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पंचमपुर। सूरजगुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तोमर राजा सूरजमल। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद व डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है? 6। हरियाणा की जवाहरलाल नहर लाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? 1672 में औरंगजेब। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजबगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। पंडित जंसराज तथा सुलक्षणा पंडित का संबंध कहाँ से है? पीली मंदोरी फतेहाबाद। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राव वीरेंद्र सिंह। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में 81 में से कितने सीटें प्राप्त हुई? 48। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? सरदार हुकम सिंह। सर्वाधिक गाँव किस जिले में है? यमुनानगर। हरियाणा खादी ग्राम उदय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप। 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र था आगरा। अडसन ने रोहतक को किस राज्य के दिन किया जींद? नारनौल के समीप नसीपुर नामक गाँव में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन किन शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? हिसार। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट अडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया? रोहतक। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा के सैनिक भर्ती का विरोध किया था? नेकीराम शर्मा। रॉयल एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ? अम्बाला। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को उसकी गुड़साल में कैद किया था? नाहर सिंह। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? नसीपुर। 1909 में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था? अम्बाला। अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे भिवानी में कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। कांग्रेस के नागपुर में वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा। वीर घटोत्कच फिल्म के अभिनेता मास्टर चंदगी राम का संबंध कहाँ से? शीशा हिसार। आशी का पुराना नाम क्या था? आशिका। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जननेता ने किया था? लाला लाजपत राय। हरियाणा का पंजाब में कब मिला गया? फरवरी 1858।
रोहतक में पंडित राम बस दत्त की अध्यक्षता के सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? नवंबर 1920 में। लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत सिंह। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को। सांझी फिल्म की नायिका सुमित्रा हुड्डा का संबंध कहाँ से है? आसन गांव रोहतक। जब जनरल वॉन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? नूर मोहम्मद खान जो रानिया से शासक था। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई? रोहतक। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? निकीराम शर्मा का। 1857 की जन क्रांति के बाद का 19वीं शताब्दी का संपूर्ण काल इस प्रदेश का कौन सा काल माना जाता है? समाधि काल। हरियाणा में उमरू लिंग के प्रमुख नेता कौन थे? पंडित निकीराम शर्मा। आर्य समाज के आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन थे? लाला लाजपत राय। सनातन धर्म की धारा को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का माध्यम कौन से नेता बने? पंडित दीनदयाल शर्मा। 1886 छत्रौली का विद्रोह सन 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? जोध सिंह। 1887 ईस्वी में हिसार व रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया? लाला लाजपत राय। 1920 में अम्बाड़ा मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भिवानी। असहयोग आंदोलन हरियाणा के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गांधी की आंधी। कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 12 जनवरी 1932। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु जम्बेश्वर। हरियाणा क्षेत्र में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया, प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? जमींदारा लिंग। 1930 महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौड। कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? लाडनू राजस्थान अभिलेख। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? बहुधान्यक प्रदेश। तावरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी। बौद्ध काल में किन महा जनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? आसकोर वत्स। मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? हरियाणा। मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा से कौन से वीर सेनानी थे? राव कृष्ण गोपाल। 1857 के जन आंदोलन के अग्रिम पंक्तियों में किस धरती के सपूतों को वीर सेनानियों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था? हरियाणा। कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारी केंद्र था जहाँ घोड़ों का व्यापार होता था? पेवा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में किस स्थान का उल्लेख किया गया? रोहतक। अग्रोवा व रोहतक। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच। गुजरी महल हरियाणा में किस जिले में है? हिसार। काले पत्थर का यूज किया गया भाई इसमें। हिसार या गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख? 8। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी? कुरुक्षेत्र। किस स्थान से योद्धागण राज्य की मौर्य प्राप्त हुई? औरंगाबाद भिवानी। मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? हिसार व फतेहाबाद। बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? रोहतक। इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से पाए गए हैं? खोखराकोट रोहतक। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया? वामन पुराण। हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल स्थित है जिसको हरियाणा और सीमावर्ती क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त है जो उसके जो पूर्व में गया तीर्थ को है? पेवा। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के प्रसिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर। रानी सदरोई किस रियासत से संबंधित? जींद। जिला कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक चंद्रकूप। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के श्री गणेश किस काल में हुआ था? भक्ति काल। किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी? बाण गंगा। सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे? कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र। डोसी तीर्थ स्थल किस स्थान पर स्थित है? नारनौल। शीशे वाली मस्जिद के जिले में रोहतक। महाराजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को सांप से काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सप्रदमन यज्ञ कहाँ किया था? सफीदो। बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पर स्थित है? कैथल। 1526 में। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर।
गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? लाखन माजरा रोहतक। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? लाला लाजपत राय। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर निम्न में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर सूरजमल। यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई? 1998-99। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 1981 में। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? सिसाणा सोनीपत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? रोहतक। IIM 2009 में बना था। बालू का टीला कहाँ है? कैथल। सिसवाली सार किस नहर के किनारे स्थित? चेतांग नहर। दिसंबर 1885 कांग्रेस के पहले सम्मेलन निम्न में से किसने भाग लिया? लाला मुरलीधर। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? ओडल की सराय। अम्बाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? श्रावण। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अम्बाला। अम्बाला के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद मई में माह में कौन सा मेला लगता है? गुग्गा नवमी का मेला। फरीदाबाद में आयोजित कनुवा का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1971। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? वीरबान ने 1643। एशियन गेम 1543 था शायद। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। 1888 में बंगाली के युद्ध के बाद गुरु गोविंद पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पंचकुला में स्थित है, भाई गग्गर नदी के किनारे। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? फरीदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव। 2016 आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? नीलोखेड़ी करनाल। 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ किया गया? हिसार। 7 सितंबर 1990 को हरियाणा में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन कौन था? जस्टिस गुरुनाम सिंह। 2016 के किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला? सतरंगी। हरियाणा के किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010। हरियाणा के किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया? 2009। स्लेट पत्थर का विशाल भंडार रेवाड़ी के किस स्थान पर मिलता है? कुंड। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2011। वीरवारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? जींद। राज्य के किस वर्ष को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? 2005-06। का वास्तविक नाम था देवव्रत। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुज़िएर। कविदंती के अनुसार पांडव ने हरियाणा राज्य में किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? जींद। हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? मेरठ। कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? 1955 में। लक्ष्मी चंद के प्रमुख सांग कौन से थे? साई लकड़ारा, शरणदेव, भरतरी पिंगला, बीजा सोटा, पूर्णमल, अंजना देवी, सत्यावन सावित्री आदि। लक्ष्मी चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 15 जुलाई 1903 गाँव जाटी सोनीपत। गर्मी पड़ती लू चाला से पड़ा के साई गांव किसा किसकी रचना है? फौजी मेहर सिंह। बरोना सोनीपत में जन्म हुआ। मेहर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1918 बरोना सोनीपत। फौजी मेहर सिंह की रचनाएं कौन सी है? सरवर नीर, साई लकड़ारा, सुभाष चंद्र बोस। हरियाणा का दुनिया भर में बाजा तस्तम तुस्सा ये व्यक्तियाँ किस कवि के हैं? मूलचंद वर्मा। भारत भूषण संघीवाल की किस रचना को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है? सूरज चांद। घटते बढ़ते अशिये किसकी रचना है? लक्ष्मण सिंह। कृषि उन्नति मेले वर्ष 2014-15 में धान की श्रेणी में उत्पादन करने के लिए हरियाणा कौन सा पुरस्कार मिला? कृषि कर्मण पुरस्कार। हरियाणा के कितने कृषकों को कृषि कर्मण 2014-15 का पुरस्कार मिला? 2। 44 में डेयरी उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। वर्ष 1992 के बाद हरियाणा में कब दोबारा शीतकालीन सत्र बुलाया गया? वर्ष 2015। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 125वीं जयंती पर हरियाणा में कौन सा अभियान शुरू किया गया? ग्राम उदय से भारत उदय। हरियाणा में श्रमिक न्यूनतम वेतन दर क्या है? 300 रुपये प्रतिदिन। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा कॉलेज से प्राप्त करी थी भाई।
रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। नागानंदम प्रियदर्शिका ये भी हर्षवर्धन की। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? 1961 में कुंजपुरा। हरियाणा सरकार किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? झज्जर से 29 जुलाई 2016। अरावली का गोल मैदान हरियाणा किस जिले में है? फरीदाबाद। पानीपत के ब्योली में कौन सा कारखाना लगा है? IOC की तेल रिफाइनरी। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। 1967 में बनाया था, विशाल पार्टी थी भाई। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? साक्षी मलिक। मोखरा रोहतक 22 जनवरी 2015। हरियाणा सरकार द्वारा $5 मिलियन से नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की किस स्थान से यमुना नदी से निकले गए? ताजे वाला अतनी कुंड बैराज। हरियाणा में श्रमिक न्यूनतम वेतन दर 300 रुपये भाई कर की। मनोज कुमार का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग। कैथल का भाई मनोज कुमार। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था, परंतु यह रजत पदक में बदल गया, डोपिंग टेस्ट में फैल हो गया था खिलाड़ी। हरियाणा के गगन नारंग कौन से खेल से संबंध रखते हैं? पानीपत से या भाई शूटिंग का संबंध रखा है। मुक्केबाज विकास कुमार यादव ने 2010 में कौन से खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? एशियाई खेल। संदेश समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? पंडित ने की राम शर्मा बेवानी से हिंदी में 1930 में भाई। 5500 बुक कंप्लीट हो गई।